नमस्कार, मेरा नाम मनु और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम होम ब्लॉग्स में। और अभी जो आप ये देख रहे हो फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर है 78 मीटर में, इन तक लगभग ये आपका हो जाएगा 100 गज के आसपास का। और बना हुआ है इंडिपेंडेंट फ्लोर पे 3 BHK का फ्लैट। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, इसकी एंट्री बाहर से है और इसके ऊपर आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा फ्लैट है अपना बालकनी के साथ। तो मैं आप उसका टूर देने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ ये फ्लैट बना किस प्रकार से है और क्या है। नीचे यहाँ से इसकी एंट्री है, मेन एंट्री यहाँ से है और ये एंट्रेंस की गेट है पूरी जहाँ से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही हमारे पास ये राइट हैंड पे अपना बना हुआ है मीटर के लिए बॉक्स और यहाँ पे आपके सारे मीटर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये मैं दिखा देता हूँ, ऐसे सारे मीटर आप यहाँ पे आ जाएंगे। और नीचे यहाँ पे है गंगा वाटर की मोटर का कनेक्शन, यहाँ पे आपके सारी गंगा वाटर मोटर आ जाएंगी। और यहाँ से है स्टेयर और सामने है फ्लैट। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बालकनी का धुआं जाएगा आपको बाहर से, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए। नीचे भी स्टेयर का साइज देख लो, पूरी स्टेयर पर यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, ग्रिल पूरी लगी हुई है ऐसे इसकी। और ये है सामने से फ्लैट, एक फ्लोर पे एक बना हुआ है इंडिपेंडेंट फ्लोर है, तकरीबन 100 गज में बना हुआ है ये। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका MCB बोर्ड और ये है पूरा फ्लैट जो आप देख रहे हो। 3 BHK का लग्जरी फ्लैट है पूरा। एंट्री करते हैं हम लिविंग हॉल में और एंट्री करते ही हमारे लेफ्ट हैंड में जो आप देख रहे हो ये पूरा पूरा 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, जिसका लुक देखने में काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है जो भी देख रहे हो। ऊपर की पूरी फॉल सीलिंग का काम हो रखा है, टॉप लाइट है, झूमर पंखे की पूरी फिटिंग हो रखी है इसमें, जो देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है। साइड यहाँ पे है TV पैनल, जो आपके 50 इंच की भी टीवी होगी तो आराम से इस TV पैनल पर फिट हो जाएगी। और ये पूरा आपका हो गया लिविंग हॉल, जो आप हॉल देख रहे हो पूरा लिविंग हॉल आपके 16x12 का है और नीचे पूरी टाइल्स लगी हुई हैं और लाइट पंखे पूरी फिटिंग लगी हुई है। मैं बात कर लूँ कमरे का, तो एक कमरा आपका बालकनी से अटैच्ड है ये वाला। यहाँ पे आपकी कॉमन टॉयलेट है, सामने आपका LED पैनल आ गया। इधर किचन है आपकी वाइट मॉडल पूरी, इसमें वाइट और ब्लैक की पूरी हाई ग्लॉसी की माइका लगी हुई है। और यहाँ पे है आपका 2 बेडरूम जो कि पीछे साफ से अटैच्ड है। मैं दिखाता हूँ किचन का टूर दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पूरा सामने किचन, ये है पूरा किचन, पूरी वाइट किचन है और मॉडलर किचन है जो आप ये देख रहे हो। यहाँ पे हमने हाइलाइटर का टाइल्स लगा रखी है जो आप ये देख रहे हो, पूरी हाइलाइटर टाइल्स है। चिमनी का यहाँ पॉइंट दे रखा है। इस साइड यहाँ पे आपका जगह फ्रिज के लिए स्पेशल हमने जगह दे रखी है इसमें, जो कि काफ़ी शिकायत होती है हम लोग की वेब फ्रिज कहाँ आएगा, तो आपका पूरा फ्रिज यहाँ पे आराम से आ जाएगा। ऊपर की हमने पोल सेलिंग लगा रखी है, इधर आपका साफ्ट का एरिया हो गया और यहाँ पे हमने हाइलाइटर टाइल्स लगा रखी है, तो यहाँ पे आप किसी सफाई भी आराम से कर सकते हो और देखने में बहुत प्यारा लगता है ये। यहाँ आपको चिमनी का आ जाएगी और यहाँ नीचे पूरी हमने मार्बल की फिनिशिंग दे रखी है। पूरी मॉडल किचन है और वाइट किचन है ये, जो आप देख रहे हो ना साइज देखिए। स्टोरेज के लिए हमने इतना स्पेस दे रखा है कि आपके जितने भी सामान होंगे ना किचन के सारे अंदर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है ना कि हमने अंदर इसके पूरा पत्थर लगा रखा है, जो आप देखते हो ना चारों तरफ से पूरा पत्थर लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर भी हमने पूरा स्पेस दे रखा है, यहाँ पे हमने वाटर सिंक दे रखी है और यहाँ पे आपने रखा है वैसे हमने यहाँ पे आप दो लोगों सेंटर की फिटिंग हो रखी है। यहाँ पे आपका आ जाएगा आर ओ का, हमने यहाँ से पॉइंट दे दिया है, तो पूरा पूरा आपका आर ओ आ जाएगा। और एक आपका हो गया ये बेडरूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अटैच टॉयलेट है और ये पूरा बेडरूम है। इसमें भी हमने वॉलपेपर फॉल सीलिंग पूरा काम कर रखा है, पंखे लाइट पूरी फिटिंग हो रखी है, विंडो एसी का पॉइंट रखा है पीछे साफ से और ये बहुत अच्छा साफ है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया मास्टर अटैच टॉयलेट, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें बार। ये आपकी मास्टर अटैच टॉयलेट हो गई, इसमें हमने टाइल्स लगा रखा है, वॉश बेसिन लगा रखा है, सिंक लगी हुई है, वेस्टर्न सीट लगी हुई है इसमें। और इस साइड में यहाँ पे आप जो देख रहे हो पूरी टाइल्स लगी हुई है। ये जो कमरे का साइज है आपका 10x11 का एक कमरा है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऊपर पूरी लाइट की फिटिंग हो रखी है, पूरी आप जो देख रहे हो होल सेलिंग का पूरा काम हो रखा है प्रॉपर। और इधर है पीछे साफ्ट, ये है पूरा का पूरा साफ्ट, बहुत बड़ा साफ्ट है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सेकेंड बेडरूम, जो सेकेंड बेडरूम है वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये है सेकेंड बेडरूम और इसका साइज काफ़ी स्पेसियस है, बहुत बड़ा साइज है इसका। और इसमें भी पीछे वॉल पे वॉलपेपर लगी हुई है, ऊपर की पूरी फॉल सेलिंग को लाइट है और पंखे की पूरी फिटिंग हो रखी है। इस साइड में लाइट है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ना साइज कमरे का काफ़ी स्पेस है, 10x14 का ये कमरा है आपका। इसमें हमने अलमीरा भी दे रखी है सामने, ये पूरी अलमीरा है और बहुत साइज की अलमीरा है, इतना बड़ा है कि इसमें पूरा आपके जितने भी होंगे क्लोथ आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और ये ऊपर पूरी लाइट की पंखे की पूरी फिटिंग हो रखी है, कोक लाइट पूरा लगा हुआ है। यहाँ पे है विंडो AC का पॉइंट, बहुत बड़ा साफ्ट है और साफ्ट में हमें जाली भी लगा रखी है, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर मल्टीप्लेस बनी रहेगी, सफोकेशन या घुटन का कोई काम नहीं होगा। बीच में यहाँ पर आपका वेड आएगा, दोनों साइड से हमने टेबल लेने के लिए स्पेस दे रखा है, जो दो पूरे बोर्ड्स लगा रखे हैं। और ये पूरा आपका हो गया रूम साइज जो कि 12x14 का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बालकनी से अटैच कमरा है उसको।
ये जो आप देख रहे हो कमरा, ये जो आप कमरा देख रहे हो, ये कमरा साइज है 12x12 का और बहुत ही बड़ा है कमरा है ये। इसमें अलमीरा वॉल माउंटेड है, इस पर भी सामने आपका वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर होल सेलिंग पूरा काम रखा है, टॉप लाइट है, पंखे की पूरी फिटिंग हो रखी है। इस साइड में अगर बात करूँ मैं आपके यहाँ पे, तो ये पूरा अलमीरा है जो कि वॉल माउंटेड है, इसलिए इस कमरे का जो साइज़ है ना पूरा निकल गया है। 12x12 का पूरा कमरा है ये और बहुत बड़ा साइज़ है कमरे का और बहुत ही अच्छा, बहुत ही लग्जरी फ्लैट है ये। इसमें हमने अंदर कमरे में टीवी पैनल दे रखा है जो आप ये देख रहे हो, सामने टीवी पैनल दे रखा है, ऊपर फॉल सीलिंग का पूरा काम हो रखा है, खूब लाइटें लगी हुई हैं और ये जो आप देख रहे हो ना पूरे पे माइकल के नहीं जो ये पूरा लगा हुआ है दरवाजा, इस पर माइकल लगा रखी है वुडन कलर की और इस साइड में भी माइकल लगी हुई है। ये सामने आप जो देख रहे हो पूरा ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा विंडो एसी, इस साइड में पूरी विंडो है बहुत बड़ी सी। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर बालकनी का व्यू, ये है पूरी बालकनी बाहर की, बालकनी का साइज देखिए। यहाँ पे हमने दे रखी है टैब जो कि आप यहाँ पे, यहाँ पे बिजली का बर्न भी दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आराम से आ जाएगा वॉशिंग मशीन होगी जो, और ये पूरी बालकनी का साइज देखिए, साइज बालकनी का इतना पूरी बालकनी है और बहुत बड़ी बालकनी है जो आप देख रहे हो। और बाहर से भी ये फ्लैट को देखने में बहुत अच्छा लगता है। इधर आपका आ जाएगा सामने विंडो एसी और यहाँ पे प्लस बहुत बड़ी विंडो है, यहाँ पे भी हमने रखा है बिजली का पॉइंट, तो आप यहाँ चाहो तो अपना लगा सकते हो वॉशिंग मशीन उसमें। तो बहुत अच्छा फ्लैट है और बहुत ही बड़ा साइज है, वसुंधरा के सेक्टर 10 में है ये। अदरवाइज छोटे छोटे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। इस फ्लैट के रिलेटेड कोई भी अंदाज है तो नीचे नंबर आ रहा होगा हमारा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, फ्लैट विजिट कर सकते हैं और आकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लैट है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये।